हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जो है पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें जो है हम लोग ग्राफ बेस्ड जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है 10 अंक का पूछा जाता है। साथ ही में आप लोगों के जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये भी आपके एग्ज़ाम में जो है 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके यहीं से जो है 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको इसी वे में कैसे सॉल्व करें यही डिस्कस करते हैं कि ग्राफ के क्वेश्चन जो होते हैं और टेबल के क्वेश्चन जो होते हैं इनमें कौन कौन सी बेसिक मैथ लगती है, इन बेसिक मैथ को सीखते हैं और इजी वे में कैसे सॉल्व करें यही सीखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जो है हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 20 में से 20 अंक जो है फिक्स से मिल जाएंगे। ये हम लोगों का सेट नंबर 16 है। अगर इससे पहले के सेटों को आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया है तो जा करके उन सेटों को भी ज़रूर सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए भी ये ग्राफ और टेबल के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इजी वे में आप लोगों से सॉल्व होने लगें। इस क्वेश्चन में हम लोगों को अप्रोच सीखना है कि कैसे अप्रोच को सीखते हैं, और हर वीडियो में हम लोग यही करते चले आए हैं। तो आप लोग जा करके उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और क्या तरीका होता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोगों को प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है क्या कि विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर ये क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है। और ये एक दूसरा इसी में एक टेबल बना है, इसमें विभिन्न कॉलोनियों में निवासियों की कुल संख्या दी गई है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कॉलोनी ए में कुल कितने लोग रहते हैं, तो 1250 लोग रहते हैं। कॉलोनी बी में कितने लोग रहते हैं, तो 2050 लोग। कॉलोनी सी में कुल कितने लोग, तो 1800। इसी तरह से डी में और ई में भी इतने लोग रहते हैं। पर इसमें से कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, तो पुरुषों का परसेंटेज कितना है, महिलाओं का प्रतिशत कितना है, और फिर उसके बाद जो है इसमें बच्चों का प्रतिशत कितना है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को इसमें दी गई हैं। ठीक है, इस वाले ग्राफ में हम लोगों को दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सब परसेंटेज दिया गया है हम लोगों को। जैसे कि कॉलोनी ए में जो ये किसको दर्शा रहा है, तो ये पुरुष को दर्शाता है। तो पुरुष का परसेंटेज यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर अब आप लोगों को ध्यान देना होगा कि 30 और 40 के बीच में कितने, 10 का अंतर है। तो ये दो दो के डिफरेंस पर सब बने हुए हैं। कितने कितने के, दो दो डिफरेंस पर बने हुए हैं, 10 का अंतर है। तो यानी 5 भाग इसमें आप लोगों का बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 32। कितना परसेंट हो जाएगा, तो 32% हो जाएगा। फिर उसके बाद 34% हो जाएगा। इस तरह से परसेंटेज में हम लोगों को दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। तो इसमें हम लोगों को प्रश्न में क्या दिया गया है कि कॉलोनी ए बी तथा सी को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तीनों कॉलोनियों में मिला करके, तो कॉलोनी ए में कुल कितने लोग रह रहे हैं, तो 1250 लोग रह रहे हैं। ठीक है, और महिलाओं की संख्या हम लोगों को बतानी है। तो इसमें जो है कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं, ये चीज़ हम लोगों को दूसरे वाले ग्राफ से यानी इस ग्राफ से पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी प्रतिशत महिलाएं रह रही हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो हमारा आता है ग्राफ, ये 36% पर आता है। तो 36% इसमें से महिलाएँ हैं, तो कितना हो जाएगा, 36/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस कॉलोनी बी की अगर हम बात करें, तो कॉलोनी बी में 2050 लोग हैं टोटल, और उसमें से महिलाएं कितनी हैं, तो ये महिलाओं का परसेंटेज यहाँ पर देख रहे हैं कितने पर जा रहा है, तो ये हमारा 30 पर जा रहा है। तो 30% महिलाएं हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा। प्लस कॉलोनी सी की बात करें, तो कॉलोनी सी में कुल 1800 लोग हैं, 1800, और उसमें से महिलाएं कितनी हैं कॉलोनी सी में, तो यहाँ पर देख रहे हैं 42% हैं। कितनी हैं, 42% महिलाएं हैं, तो 42/100 हो जाएगा। ठीक है, बस इन्हीं की संख्या हम लोगों को ज्ञात कर लेनी है। तो यहाँ पर इस 0 से ये 0, इससे ये कैंसिल, और 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो ये 18 हो जाएगा, और ये कितना, 5 हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना होता है, 25 5 125 होता है। अब इन सभी का गुणा
गुणा कर लीजिए, 25 गुणे 18 तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 450। और फिर उसके बाद 205 इतियाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 615। और फिर उसके बाद जो है 18 गुणे 42 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 756। और सभी को जोड़ दीजिए तो यही टोटल संख्या हम लोगों को पता चल जाएगी। तो सभी को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो 11 रहा। फिर 5 और 1 6 और 5 11 और 1 हासिल हम लोगों का बचा था तो 12। फिर 7 6 4 10 7 17 1 18 तो 1821 महिलाएं टोटल आ रही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या। तो ए में, कॉलोनी ए में कितने बच्चे हैं, तो कॉलोनी ए में कुल कितने लोग रह रहे हैं, 1250 लोग रह रहे हैं, जिसमें से बच्चे कितने हैं। तो देख रहे हैं बच्चों का परसेंटेज यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर बच्चों का परसेंटेज है 30%। कितना, 30% जो हैं बच्चे हैं, तो 1250 का 30% ज्ञात कर लीजिए तो कितना, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और 125 तियाँ कितना होता है, 375। तो ये 375 बच्चे कॉलोनी ए में हो गए। अब कॉलोनी ई के बच्चों की संख्या हम लोगों को बतानी है, ई के बच्चों की संख्या, ठीक है। तो कॉलोनी ई में कुल कितने लोग हैं, 1620 कितने हैं, 1620। और कॉलोनी ई में बच्चों का परसेंटेज कितना है, तो 20% है। कितने, 20%, तो 20/100 हो जाएगा, तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और 162 दुना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 324, ठीक है। तो इसमें ई के बच्चों का लगभग कितने प्रतिशत हैं, यही हम लोगों को बताना है। तो 324 का 375 कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो जिसका कहा जाता है, जैसे जैसे ई के बच्चों का आया ना, तो यही बटे में आएगा, तो यानी 324 बटे में आ जाएगा, और ये 375 गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पर देखिए, डायरेक्टली से इसमें डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड करने में ही फ़ायदा रहेगा हम लोगों का। तो डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा, 1.15, ठीक है, और गुणा हो जाएगा 1.15 में 100 का, तो कितना जाएगा, 115% लगभग आ जाएगा हम लोगों का मान। तो इसमें जो है 115 के बजाय 116 दिया गया है, तो यही जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 115 116 के ज़्यादा करीब है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 116 भी हम लोगों का आ जाता लगभग में, क्योंकि हम 3 ही अंक तक ले गए, और भी अंकों में हम लोग डिवाइड करते तो इसके बाद भी और भी अंक आते हैं अभी, ठीक है, ये पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉलोनी बी के पुरुषों की संख्या और उसी कॉलोनी के महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या है। कॉलोनी बी के पुरुषों की संख्या, पुरुषों को जो है इस कलर से यहाँ पर दर्शाया गया, तो कितने हैं पुरुष, ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष आप लोगों को दिख रहे हैं कितना, 50, ठीक है। और इसी कॉलोनी के महिलाओं की संख्या हम लोगों को बतानी है, तो महिलाओं की संख्या ये है, तो ये कितना है, इसका मान कितना है, तो इसका मान है देख रहे हैं 30। तो अनुपात सीधा हम लोगों को बता देना है, यहाँ पर संख्या हम लोगों को ज्ञात नहीं करनी, सीधा परसेंटेज से ही हम लोगों को अनुपात पता चल जाएगा, 50:30 तो 0 से 0 कैंसिल, तो 5:3 हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी कॉलोनियों के कुल निवासियों की औसत संख्या कितनी है, ठीक है। तो सभी कॉलोनियों के लोगों को सबसे पहले जोड़ लीजिए, तो जोड़ लीजिए तो लास्ट में सब में है 0 तो आ जाएगा 0, 5 5 10 5 15 2 17 के हो जाएगा 7, हासिल 1 2, फिर 8 10 10 1 11 11 6 कितना होता है, 17 और 1 18 के हो जाएगा हमारा 8, और फिर उसके बाद एक हासिल बचा 2 1 ये 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 और एक कितना हो जाएगा 7, तो कितना आ गया यहाँ पर हम लोगों का 7870 योग, ये हम लोगों को टोटल पता चल गया। हम लोगों को बताना क्या है, औसत बताना है, तो औसत के लिए क्या होता है, योग बटे संख्या आप लोगों को पता ही है, तो योग क्या होता है, योग है 7870 और कुल कितनी कॉलोनियां हैं, तो 5 कॉलोनियां हैं, 5 से कर दीजिए इसको डिवाइड, तो 5 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 5 1 5 2 7 तो 28 हो गया, 5 5 25 3 28 तो 5 7 35 और 5 4 20 तो 1574 आ रहा है हम लोगों का, तो डी ऑप्शन जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कॉलोनी डी के पुरुषों की संख्या उसी कॉलोनी के बच्चों की संख्या का अंतर कितना है। कॉलोनी डी की बात करी जा रही है, पुरुष और बच्चों की बात की जा रही है, ठीक है। तो पुरुष कितने परसेंट हैं कॉलोनी डी में, तो ये पुरुष हो गए, तो पुरुष यहाँ पर कितने हैं, ठीक है, कॉलोनी डी में। तो कॉलोनी डी में पुरुष जो हैं कितने हैं, देखिए 40 के करीब में है, दो का डिफरेंस था तो 38 हो गए। और फिर इसमें बच्चे कितने परसेंट हैं, तो बच्चों की संख्या कितनी है, तो बच्चों की संख्या यहाँ पर हम लोगों को दिख रही है 20 से ऊपर है, 24 26 के हो जाएगा, तो 26% ये हैं। तो इनका अंतर हम लोगों को बताना है कि कितना होगा, तो 38 माइनस 26, तो टोटल अंतर परसेंटेज का हमारा कितना हो गया, ठीक है, अंतर पर प्रतिशत कितना हो गया, तो इसको घटा लीजिए, तो 8 में से 6 घटेगा 2 और यहाँ पर 12% आ गया। और फिर उसके बाद जो है कॉलोनी डी की बात करी गई है, तो इसमें 1150 लोग हैं, तो 1150 का हम लोगों को क्या करना है, अब 12% ज्ञात कर लेना है। तो 1150 का 12% ज्ञात कीजिए, तो 12/100 हो जाएगा, और यहाँ से क्या, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो कितना, 5 × 2 = 10, 1 × 11 = 5 = 15, 5 से इसको 2 आ जाएगा और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 हो जाएगा, तो 23 × 6 और 6 × 3 = 18 के 8 होता है, और 6 × 2 = 12 = 13, तो 138 आ जाएगा। बच्चों को और पुरुषों की संख्या का अंतर कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा। सीधा परसेंटेज का अंतर ज्ञात कर लीजिए, यहीं से आप लोगों को अंतर पता चल जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ चलते हैं। ये एक बहुत बढ़िया से DI आप लोगों को दी गई है, ठीक है, इसमें आप लोगों को ग्राफ टेबल दोनों दिया गया है, और इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोग बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें करना क्या है हम लोगों को, देखिए पहले ग्राफ को बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें ग्राफ में जो दिया गया है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ग्राफ A1 दिया गया है। A का मतलब क्या है, मोटे पुरुष, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मोटे पुरुष। और फिर ग्राफ बी का मतलब क्या है, मोटी महिलाएं, ठीक है, मोटी महिलाएं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद ग्राफ सी का क्या मतलब है, तो मोटे बच्चे, ठीक है, मोटे बच्चे, आजकल मोटापा एक आम बीमारी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न भी आप लोगों को मिल गया है, प्रश्न आप लोगों को सावधान कर रहा है कि मोटापे से दूर रहिए। चलिए तो देखते हैं इसमें हम लोगों का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभिन्न वर्षों में एक राज्य में मोटे पुरुष, मोटी महिलाएं और मोटे बच्चों का यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है, और यहाँ पर संख्या दी गई है, ठीक है। यहाँ पर इस वाले टेबल में जो है यहाँ पर कुल संख्या दी गई है, यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। जैसे वर्ष 2004 में कुल कितने पुरुष थे, तो 54,000 पुरुष थे, लेकिन उसमें से मोटे पुरुष कितने थे, तो मोटे पुरुष कितने थे, तो इसमें देख रहे हैं वर्ष 2004 में 25% मोटे पुरुष थे, ठीक है। अब क्वेश्चन का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और महिलाएं जो है 38,000 हैं, तो मोटी महिलाएं कितने थीं, तो मोटी महिलाएं वर्ष 2004 में देख रहे हैं यहाँ पर 30% महिलाएं मोटी थी, ठीक है। और बच्चे कितने थे वर्ष 2004 में, तो 15% बच्चे थे, और बच्चे कितने मोटे थे, तो बच्चे जो हैं 15% बच्चे उसमें मोटे बच्चे थे। इसी तरह से वर्ष 2005, 6, 7, 8, 9 में सभी में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और इसी के आधार पर हम लोगों को प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न हमसे क्या पूछा गया। इसमें प्रश्न हमसे किया गया है क्या कि वर्ष 2007 में मोटे पुरुष, मोटी महिलाएं तथा मोटे बच्चों का लगभग औसत कितना था, ठीक है, किस वर्ष में, वर्ष 2007 में। तो वर्ष 2007 में जो है, वर्ष 2007 में पुरुष कितने हैं 66,000, महिलाएं कितनी हैं 54,000, और बच्चे कितने हैं 16,000, ठीक है। तो मोटे पुरुष, मोटी महिलाएं, मोटे बच्चे कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी की संख्या हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं 66,000, ठीक है। और वर्ष 2007 में जो हैं, वर्ष 2007 में ये पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष, मोटे पुरुष कितने हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ग्राफ दिया गया है ये मोटे पुरुषों का है, जो कि 35% पर है, तो 35 हो जाएगा बटे 100, ठीक है, 35/100। फिर उसके बाद प्लस, सभी की संख्या ज्ञात करनी होगी ना, औसत ज्ञात कर रहे हैं,
तो मोटी महिलाएं, महिलाओं की संख्या कितनी है? 54,000 है। महिलाओं की संख्या कितनी है? 54,000 है। और मोटी महिलाएं कितनी हैं? तो मोटी महिलाएं हम आप लोगों को बताए थे ये बी वाले ग्राफ से, यहां से पता चलेगा ये मोटी महिलाएं, तो कितना 25%, तो कितना हो जाएगा 25/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस बच्चे कितने हैं, तो बच्चे हैं 16,000। कितने बच्चे हैं? 16,000 हैं। और मोटे बच्चे कितने परसेंटेज में हैं? तो ये मोटे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर आपसे 10 और 15 के बीच में हैं, तो 12.5% बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पर देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये जीरो यहाँ का दशमलव हटाने में चला जाएगा। तो बचा क्या है? 660 × 35, तो इनका आपस में कर लीजिए गुणा। तो गुणा करने पर ये हमारा आ जाएगा 23,100। कितना आ जाएगा? 23,100 आ जाएगा। प्लस 54,540 × 25 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 13,500। 13,500 सिर्फ गुणा कर देना है आप लोगों को, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, और फिर उसके बाद 125 का गुणा 16 में कर दीजिए। तो 125 का गुणा जब 16 में हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का? ये आ जाएगा हम लोगों का 2,000। ठीक है, और सभी को अब जोड़ लीजिए। ठीक है, देखिए 23,000, 13,000 और 2,000, 13 × 2 = 15 हो जाएगा, 15 × 3 = 18 और 18 × 20 = 48, 38 हो जाएगा, 38 और फिर उसके बाद 500 × 600। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 38,600 टोटल योग कितना आ गया हमारा? 38,600 आ गया। ठीक है, ये हमारा टोटल योग हो गया। अब हम लोगों को क्या औसत बताना है? ठीक है, औसत, तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। ठीक है, तो योग कितना आया हमारा? ये आया है 38,600। ठीक है, और कितने लोगों को ज्ञात करें? मोटे पुरुष, मोटी महिलाएं, मोटे बच्चों का, तो 3 से हो जाएगा भाग, और 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 2 = 8, 16 हो गया, 3 × 5 = 15। ठीक है, 3 × 2 = 6, यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, जब 2 बचा हुआ है तो कितना हो गया? 26, तो 3 × 8 हो जाएगा 24। ठीक है, ये हमारा 8 है, 3 × 8 हो जाएगा 24, और फिर उसके बाद जो है 2 × 26 = 20 हो गया, फिर 3 × 6 = 18। ठीक है, 3 × 6 = 18, 2 = 20, फिर उसके बाद जो है 3 × 6 = 18, इस तरह से 6 करके ये आता रहेगा। तो इसमें जो है हम लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर 6 के बजाय 7 बना सकते हैं इसको, लगभग ये जो है सी वाले ऑप्शन में हम लोगों की वैल्यू दी गई है, तो सी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2009 में मोटे पुरुषों की संख्या और उसी वर्ष मोटापे से ना पीड़ित होने वाले पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत थी? ठीक है, तो वर्ष 2009 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मोटे से पीड़ित होने वाले पुरुष कितने परसेंट हैं? तो ये जो है 37.7% हैं। ठीक है, ये मोटापे से पीड़ित होने वाले ये मोटे पुरुष हो गए। ठीक है, मोटे पुरुष हो गए कितने परसेंट? 37.5%। ठीक है, और उसी वर्ष मोटापे से ना पीड़ित होने वाले पुरुष, तो मोटापे से कितने लोग पीड़ित नहीं हैं? तो 100 में से इनको घटा दीजिए। तो यहाँ पर जो है जो मोटे पुरुष नहीं हैं, मोटे ना होने वाले पुरुष, ठीक है, मोटे ना होने वाले पुरुष कितने हो जाएंगे? ठीक है, कितने हो जाएंगे? तो 100 में से क्या कीजिए, घटा दीजिए 37.5 को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 62.5 आपका आ जाएगा। तो आपको बताना है ये 62.5% जो है 37.5% इसका कितना परसेंट है? तो अभीष्ट परसेंटेज जो हम लोगों को बताना है ये कितना हो जाएगा? 37.5% बटे में कितना आ जाएगा? 62.5% मोटापे से पीड़ित ना होने वाले पुरुषों की संख्या का, तो जिसका का उसी का बटा होता है, आप लोगों को बता चुके हैं, गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम लोग गुणा अगर कर दें, देखिए दशमलव समान स्थान पर है तो दशमलव तो वैसे हट गया, तो गुणा का अगर करें तो कितना हो जाएगा? 37,500 हो जाएगा, और बटे में कितना है? 625। ठीक है, और 625 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आता है हम लोगों का कितना? 60.19% आता है। ठीक है, तो जो कि हमारा लगभग 60% के बराबर है, तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, कह रहा है कि 2000 वर्ष में मोटी महिलाओं की संख्या, 2006 में,
और 2008 में मोटे पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत देखें जिसका का वही बटे में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष 2006 में मोटी महिलाएं वर्ष 2006 यहाँ पर हैं तो 60,000 हैं, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी अगर हम लोग पता करें तो कितना 60,000 का, ठीक है 60,000 का कितना परसेंट, तो महिलाओं का हम लोगों को बताना है तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 20%, कितना 20/100, तो यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6×12,000 आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मोटे पुरुषों की संख्या हम लोगों को पता करनी होगी, तो मोटे पुरुष कितने हैं वर्ष 2008 में, तो वर्ष 2008 में ये पुरुष हो गए तो कितना है 70,000। ठीक है, और फिर उसके बाद वर्ष 2008 में पुरुष कितने हैं, तो यहाँ पर मोटे पुरुष का परसेंटेज कितना है, तो देख रहे हैं 27.5, कितना है 27.5 और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग जो है अगर कैंसिल आउट करें तो 20 से 20 ये 10 इसका दशमलव हटाने में 275×70, तो इनका जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये आ जाएगा 19,250। ठीक है, 19,250 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि इनसे इनका परसेंटेज आप लोगों को बताना है, तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 12,000 का कितना 19,250×100। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को लगभग अनुपात बताना है, तो अनुपात बताने में हम लोगों को परसेंटेज नहीं ज्ञात करना है, ये तो और अच्छी बात है, यहाँ पर हम लोगों को अनुपात बताना है। ठीक है, तो अनुपात बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 1200 बटे में कितना 19,250। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचा कितना 1200/1925, कितना 1925, इसको और थोड़ा कैंसिल आउट कीजिए, 5 से इसको काटते हैं तो 5 से कैंसिल आउट करने पर देखिए 5×3=15, 4×19 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 42, 5×8=40, 5×5=50, 5×5=25, और 5 से इसको काट देंगे हम लोग तो 5×2=10 और 5×4=20। ठीक है, तो 240 ही हो गया। अभी इसको हम लोग जो है और थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, और कितने से 5 से अभी ये कैंसिल आउट और होगा, तो 5 से इसको काटे तो 5×7=35। ठीक है, और फिर उसके बाद 5×7=35, 5 से इसको अगर काटे हम लोग तो 5×4=20, और फिर उसके बाद जो है 5×8=40, तो कितना आ गया 48/77, तो कहने का मतलब अनुपात कितना हो जाएगा 48/77 हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया गया कि वर्ष 2006 में मोटी महिलाएं और मोटे बच्चों की कुल संख्या उसी वर्ष मोटे पुरुषों में कितना अंतर है। तो पहले वर्ष 2006 में मोटी महिलाएं हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, वर्ष 2006 में मोटी महिलाएं तो अभी हमने ज्ञात किया था कितना आया था 12,000, और फिर उसके बाद मोटे बच्चों को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, मोटे बच्चों को जब ज्ञात करेंगे तो वर्ष 2006 में मोटे बच्चे कितने हैं 12,000 हैं, कितने हैं 12,000 हैं, और परसेंटेज कितना है मोटे बच्चों का, तो ये सी वाला ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं कितना 25% है, तो कितना हो जाएगा 25/100 हो जाएगा, तो यहाँ 20 से 20 कैंसिल, और फिर उसके बाद जो है 25 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 25×50 के शून्य हो जाएगा, और फिर उसके बाद 25×25=30, तो 3,000 हो जाएगा। तो इनकी जो मोटी महिलाएं हैं, ठीक है, यानी जो फीमेल हैं, और फिर उसके बाद जो इसमें बच्चे हैं, ठीक है, इन बच्चों का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,000+ उसके बाद 3,000 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा टोटल, ये हो गया हमारा 15,000। ठीक है, और फिर उसके बाद अभी मोटे पुरुषों की संख्या हम लोगों को इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मोटे पुरुषों की संख्या 2006 में ज्ञात करनी है, तो पुरुष टोटल कितने हैं, तो टोटल हैं 63,000, कितने हैं 63,000 हैं, तो 63,000, और फिर उसके बाद इनका परसेंटेज कितना है मोटे पुरुषों का। ठीक है, तो मोटे पुरुषों का जो परसेंटेज देख रहे हैं कितना दिया गया है यहाँ पर बीच में है, तो 32.5% है, बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 से 20 ये कैंसिल, तो 630×, कितना हो जाएगा यहाँ पर 32.5, अब ये जीरो इसका दशमलव हटाने में चला जाएगा, तो कितना हो गया 63×325, अब इनका गुणा कर दीजिए तो गुणा करने पर 20,475 आएगा। ठीक है,
20,475 और इनका जो है हमसे अंतर पूछा गया है, तो अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का, अंतर बराबर 20,475 में से घटा दीजिए कितना, 15,000 आप घटा दीजिए, ठीक है। 15,000 जब घटा देंगे तो हम लोगों का कितना बचेगा, तो यहाँ पर हम लोगों का बचेगा 5,475, ठीक है, 5,475 बचेगा। और ये हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 5,475 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया गया हम लोगों को, इसमें कह रहा है कि वर्ष 2004 तथा वर्ष 2005 में कुल मिलाकर ऐसे बच्चों की संख्या कितनी थी जो मोटापे से पीड़ित नहीं थे, ठीक है, जो मोटापे से पीड़ित नहीं थे। तो यहाँ पर वर्ष 2004 और वर्ष 2005 दोनों वर्षों में हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो वर्ष 2004 में इनकी बच्चों की संख्या टोटल कितनी थी, तो 15,000 थी, कितनी थी वर्ष 2004 की ज्ञात कर रहे हैं, टोटल संख्या कितनी थी, तो टोटल संख्या थी 15,000। अब इसमें से मोटापे से पीड़ित कितने थे वर्ष 2004 में, बच्चे कितने मोटापे से पीड़ित थे, 15% जो है बच्चे मोटापे से पीड़ित थे, ठीक है, 15% बच्चे जो थे ये मोटापे से पीड़ित थे। तो मोटापे से ना पीड़ित होने वाले कितने बच्चे हो गए, तो 15% को घटा देंगे, सीधा 85% बच्चे ऐसे थे जो मोटापे से पीड़ित नहीं थे, तो इनकी संख्या हमको पता चल गई, ठीक है। और वर्ष 2005 में हम लोगों को बताना है, वर्ष 2005 में बच्चों की संख्या कितनी है, तो देख रहे हैं 21,000 है, कितनी है 21,000 है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वर्ष 2005 में मोटापे से पीड़ित बच्चे कितने हैं, 10%, तो मोटापे से नहीं पीड़ित कितने हैं, ये सब जो संख्या दी गई है इसमें परसेंटेज में मोटापे से पीड़ित दी गई है, तो मोटापे से पीड़ित नहीं कितने हैं, तो कितने 90%, तो 90/100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इनकी संख्या हम लोगों को ज्ञात कर लेनी है, यहाँ पर 20 से 20 इनका कैंसिल आउट, 20 से 20 इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया 150/85 और ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 210/90, ठीक है। अब इन सभी का हम लोगों को कर लेना है गुणा, तो हम लोग जब इसमें 150 का गुणा, 150 का गुणा जब हम लोग 85 में करते हैं तो कितना आता है हमारा, तो ये आता है 12,750, कितना आता है 12,750 आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है जब हम लोग 210 का गुणा 90 में करते हैं तब हमारा कितना आता है 18,900, कितना आता है 18,900। और इनकी पूरी संख्या हम लोगों को बतानी है तो इनका ज्ञात कर लेंगे योग, तो योग बराबर कितना हो जाएगा 18,900 प्लस इसी में जोड़ दीजिए कितना 12,750, ठीक है। तो इनको जोड़ दीजिए, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, 9, 7, 16 के 6 हो गया, 8, 2, 10, 11 हो गया, और 1, 1, 2 और 1, 3 हो गया, तो 31,650 हो गया, ठीक है। तो 31,650 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं इसमें थोड़ा हम लोगों को कैलकुलेशन मिला, पर एक अच्छी DI भी तो मिली हम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। इतना DI अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पेट के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, यानी 20 में से 20 आप लोग लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहे। अगर इसका सॉल्व PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप लोगों को ढेरों सारे वीडियोस और PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।